और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भजनलाल सरकार के मंत्रियों की। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि भजनलाल सरकार के मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सचिवालय में पहुंचकर मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने पदभार ग्रहण किया। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार से खास बातचीत की, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि भजनलाल सरकार की मंत्री लगातार पदभार ग्रहण कर रही हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने पदभार ग्रहण किया है, उनसे खास बातचीत भी की गई। और जरा ये तस्वीर आप देखिए, जयपुर के सचिवालय से तस्वीर जहां पे पदभार ग्रहण करते हुए नजर आई डॉक्टर मंजू बागमार। हाल ही प्रदेश की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसमें जो विधायक मंजू डॉक्टर मंजू बागमार है, उनको जो है राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। बतौर मंत्री मैडम क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं की नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, उस पर हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा 5 साल तक जो कांग्रेस का कुशासन रहा और इस तरह की योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी, जिनका धरातल पर कोई एक लोक लुभावनी योजनाएं जो उन्होंने चलाई थी, धरातल पर उनका कोई असर नहीं हुआ। और एक गरीब कल्याण किसान मजदूर वर्ग महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे और पूरा प्रदेश जिससे दुखी था, उनके सबके कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकता है। मैम जो है मंत्रिपरिषद में आपको भी स्थान दिया गया, तो जो है महिला जो है प्रदेश की जो महिला है, आप भी तो उस नाते क्या प्रदेश की महिलाओं को लेकर आप जो उम्मीदें हैं उनको किस तरह से देखते हैं? पिछले 5 सालों के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार होते हुए हमने देखा और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो विफल हो रखा था और महिलाएं विशेष रूप से बहुत ही दुखी थी, तो हमारा व्यक्तिगत भी प्रयास यही रहेगा कि महिलाओं को जो सशक्तिकरण का जो प्रयास किया जा रहा है, जैसे उनको शिक्षा और शक्ति दोनों द्वारा जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने का भी और उनके विकास कार्य करने के लिए उनके सशक्तिकरण की दिशा में। मौजूदा सरकार का ये है कि जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसको लागू किया जाए, तो जो भी विभाग आपको मिलता है तो किस तरह से क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो भी विभाग हमें आवंटित किया जाएगा उसमें हम आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और जो पिछले कमियां रही है उन कमियों को भी दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा। और किस तरह से, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत संकल्पना जो उन्होंने करी है 2047 तक, हमारा जो है, हमारे जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय है, निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में जो है राजस्थान जल्दी जो है उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार का ये कहना है कि जो भी अपेक्षाएं सरकार जनता ने सरकार से रखी है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, पदभार ग्रहण कर लिया गया है, भजनलाल सरकार के तमाम मंत्री लगातार पदभार ग्रहण कर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत भी की। और आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर मंजू बागमार ने आज पदभार ग्रहण किया और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की। तमाम प्राथमिकताएं को लेकर उन्होंने जानकारी भी साझा की। और ये जरा आप तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से पदभार उन्होंने ग्रहण किया। सचिवालय की तस्वीर है जहां पे आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए लगातार भजनलाल सरकार के मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं और डॉक्टर मंजू बागमार ने भी आज पदभार ग्रहण किया, जरा जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाए। डॉक्टर मंजू बागमार कुछ देर पहले ही सचिवालय पहुंची थी और अभी पूजा अर्चना चल रही है, पंडित जो है पूजा करा रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा हो रही है और जो है पद जो जो कक्ष में जो कुर्सी है जहां पर उनको पदभार ग्रहण करना है उसका समय जो है कुछ देर में मुहूर्त के अनुसार तय किया गया है। तो पूजा के संपन्न होने के बाद वो पदभार यहाँ पर ग्रहण करेगी और जैसा आपने देखा कि जो उनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बातचीत करी तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का जो मोदी जी का जो सपना है उसको जो मौजूदा ऊर्जावान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा और उनका पूरा मंत्रिमंडल इसको पूरा करेगा और राजस्थान को किस तरह से विकसित बनाया जा सकता है उसको लेकर काम होंगे और पूरी जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। प्राथमिकताओं को उन्होंने बताया कि जो आम जन को किस तरह से
सुरक्षा दी जा सकती है, आमजन की अपेक्षाएं किस तरह से पूरा की जा सकती है उसको लेकर उनका फोकस रहेगा। और महिलाओं को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि पिछले उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, महिलाओं में असुरक्षा की भावना आई, तो उसको दूर किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो ये भजन लाल सरकार है वो काम करेगी। और 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना सरकार की प्राथमिकता है और उसको पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और दौर चल रहा है और अभी जो है कुछ देर में जो जो है ये पदभार ग्रहण करेगी। चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की।